ग्रीस ने भूमध्य सागर में उड़ रहे तुर्की के F-16 विमानों पर मिसाइल तान दी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। तुर्की ने दावा किया कि उसके विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे, लेकिन ग्रीस ने बिना कोई चेतावनी दिए उसके विमानों को मिसाइल के निशाने पर ले लिया। तुर्की ने आरोप लगाया कि ग्रीस भूमध्य सागर में उड़ान भर रहे उसके F-16 विमानों को मार गिराने की तैयारी में था, और इसके लिए ग्रीस ने विमानों को देखते ही अपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। यानी ग्रीस का एक इशारा होते ही तुर्की के विमान समंदर में समा जाते, लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ होता, तुर्की के पायलट समंदर के उस इलाके से निकल गए। इसके बाद ग्रीस ने दावा किया कि तुर्की के विमान उसकी हवाई सीमा में घुस गए थे, और इसी वजह से उसने एयर डिफेंस सिस्टम को हमले के लिए तैयार किया। लेकिन ग्रीस के ऐसा करते ही तुर्की के विमान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब भूमध्य सागर पर कब्जे की जंग में दोनों नेटो देश एक दूसरे के सामने आए हों, बल्कि पिछले हफ्ते भी दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि बात लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जंग तक पहुंच गई थी। उस वक्त तुर्की ने नेटो से शिकायत की थी कि एक मिशन के दौरान ग्रीस के F-16 विमान उसके विमानों के सामने आ गए थे। तुर्की के मुताबिक पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर ग्रीस के पायलट ने उसके एक विमान पर हमले की तैयारी कर ली थी। हालांकि बाद में यह टकराव टल गया, जिसके बाद ग्रीस ने तुर्की के दावे को खारिज कर दिया। ग्रीस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तुर्की के विमान बिना जानकारी दिए अमेरिका के B-52 बॉम्बर के साथ उसके इलाके में आए थे, जिन्हें उनके 4 लड़ाकू विमानों ने पीछा करके खदेड़ दिया था, और इसकी जानकारी नेटो को भी दे दी गई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद ही दोनों देशों में एक बार फिर टकराव बढ़ गया। माना जा रहा है कि अगर विवाद ऐसे ही बढ़ता रहा तो दोनों के बीच जंग छिड़ने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि करीब एक दशक पुरानी ये लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। असल में भूमध्य सागर में पाया जाने वाला बड़ा गैस का भंडार तुर्की और ग्रीस के बीच विवाद की जड़ है। 2020 में भूमध्य सागर में तेल और गैस की खोज को लेकर तुर्की और ग्रीस में भिड़ंत हो गई थी, जब तुर्की का एक खोज करने वाला जहाज ग्रीस के एक द्वीप के नजदीक पहुंच गया था। तुर्की ने ग्रीस के विरोध के बाद भी अपने खोज अभियान को जारी रखा था, हालांकि फ्रांस के हस्तक्षेप और सेना तैनात करने की धमकी के बाद उसे पीछे हटना पड़ा था। लेकिन इसी साल तुर्की ने एक बार फिर भूमध्य सागर में गैस भंडार खोजने के लिए अपना एक जहाज रवाना कर दिया। ग्रीस के एतराज पर उसने जवाब दिया कि उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच भूमध्य सागर के ही एक हिस्से एजियन सागर में मौजूद कुछ टापुओं पर हक को लेकर भी पुराना झगड़ा है। तुर्की का आरोप है कि ग्रीस इन टापुओं पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है। लेकिन ग्रीस का कहना है कि इन टापुओं पर आज से नहीं बल्कि दशकों से उसकी सेना तैनात है और उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। असल में एजियन सागर के अपने तट पर तुर्की की सेना तैनात है, और जिन टापुओं पर विवाद है वो तुर्की की सेना की जद में है।